दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन के चौथे दिन भी मुरादाबाद पुलिस को बाहर नजर आ रहे लोगों को घरों में भेजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगता है मुरादाबाद में कुछ लोगों को कोरोना का खौफ नहीं है। प्रशासन की बंदिश के बावजूद भी कुछ लोग पैदल या बाइक पर शहर में भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच मुरादाबाद की एक कॉलोनी के लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए अपने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र स्थित वार्ड 69 में रहने वाले स्थानीय पार्षद व लोगों ने एक अनोखा काम करते हुए अपने घरों में रहकर कोरोना को भगाने का संकल्प लिया है। लॉकडाउन के चौथे दिन कॉलोनी वासियों ने गलियों पर बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोहल्ले वासियों ने लक्ष्मण रेखा खींचकर एक अनोखी मिसाल पेश की है, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि कोरोना को भगाना है तो अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। अगर कोई बाहर निकलता है तो समझो वह सुरक्षित नहीं है, जो न केवल खुद परेशानी में आ सकता है बल्कि अपने परिवार को भी परेशानी में डाल सकता है। उसके कारण पूरा शहर और पूरा देश असुरक्षित हो सकता है। इसलिए कॉलोनी के निवासियों ने अपनी अपनी कॉलोनियों के बाहर बैरिकेडिंग कर अपने आप को सुरक्षित रखने की मिसाल पेश की है, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। स्थानीय पार्षद सद्दाम हुसैन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरों में रहने के लिए कहा है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए भी कहा था, इसलिए हमने बाढ़ 69 में लक्ष्मण रेखा खींच दी। चाहे किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, अब वह घर के साथ ही अपने परिवार के साथ ही घर में रहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद शशि। कौन सा मोहल्ला है ये? मियां कॉलोनी करोला, वार्ड नंबर 69। आज ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? सर, ये बैरिकेडिंग इतनी लगाई गई है कि ताकि मतलब रिपोर्ट वाले या पुलिस वाले आए और यहाँ पर देखें तो इस चक्कर में इसको बंद कर दिया जाए, ताकि लोग अपने अपने घर पर रहें, इतनी बाहर को नहीं निकले, और अंदर वाले भी मना कर रहे हैं ताकि अपने अपने घर में रहो और बाहर रोड पर मत जाओ। जी, सद्दाम हुसैन पार्षद, वार्ड नंबर 69। जी सद्दाम साहब, ये जो आपका वार्ड है, इसमें हर मोहल्ले में हर जगह ये जो है आपका बैरिकेडिंग लगा दी गई, क्या है ये मामला? जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया था, पालन सभी लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और सभी लोग जो पालन समाज सेवी के रूप में जो लोग समझा बुझा के पब्लिक की जनता को जो जागरूक कर रहे हैं सावधानी बरतने के लिए, ये जैसे कोरोना जैसा वायरस जानलेवा वायरस है, इससे बचाव के लिए जो समाज सेवी लोग जो क्षेत्र में घूम घूम कर ये जागरूक कर रहे थे सावधानी बरतने के लिए, उसी के लिए लोग सब लोगों ने इस तरह से अपनी अपनी मेन गली रोड की जो गलियाँ बंद कर रखी हैं, ताकि जो है सब लोग सावधान रहें इससे और जागरूक रहें, बस इसीलिए लगा रहे हैं। क्या मानते हैं सरकार के जो कदम उठा रहे हैं कोरोना को लेकर, सही गलत है? बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, सरकार इसमें ठीक कर रही है, बस सरकार इतना और करे, जो गरीब लोग हैं बहुत लोग, काफ़ी लोग के नाम है जिनको रिजक नहीं मिल पा रही है, रिजक की वजह से लोग बाहर आ रहे हैं, वरना कानून का पालन तो कर रहे हैं, सरकार का पालन तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, मगर बस भूख की वजह से लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे बस डीएम साहब से, माननीय राकेश कुमार जी से, शासन प्रशासन से, कि इनके गरीबों की जो है खाने की व्यवस्था ठीक की जाए, अगर खाने की व्यवस्था ठीक होगी तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ भूख की वजह से निकल रहे हैं बाहर।